नमस्कार दोस्तों, अगले कुछ वीडियोस में आप विजुअल्स की जगह पे फोटोग्राफ्स देखेंगे और वीडियो में जो संदेश देना है या जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुनेंगे। ये करने के पीछे हमारा ये मकसद है कि हम लोगों में लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। और तो और, हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं कि जो लॉकडाउन के लिए इतने आग्रही है और उन्होंने सही समय रहते ये कदम उठाया है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपनी जान खतरे में डाल के हम सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और बाकी सारे वह लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और एक मकसद इस तरह से वीडियो बनाने का ये भी होगा कि लॉकडाउन में हमारे स्क्रीन टाइम्स यानि जो एवरेज ड्यूरेशन हम अपनी मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे देखने के लिए यूज़ करते हैं वो बढ़ चुके हैं। सो हमारे इन वीडियोस को आप बिना देखे सुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी आँखों को भी आराम दे सकते हैं। सो दोस्तों, आप हमें हमारे इस प्रयोग में सफलता देंगे, हमें यही आशा है। और आगे के सारे वीडियोस आप एंजॉय कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेट पेरेंटिंग या पेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आगे अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अपने डॉग्स के फीड में किन किन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट मिले। हम इस वीडियो में ये भी जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी बार पेट्स पेरेंट्स को पेट फूड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो इस ड्यूरेशन में पेट पेरेंट्स अपने पेट्स को घर पे उन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है, मिनरल्स है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, तो कैसे फीड करें सो दैट, और क्या फीड करें अपने घर में, हाउस होल्ड फीडिंग क्या करें सो दैट उनका कम्प्लीट न्यूट्रिशन उनको मिले। सो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिरी में हम बताने वाले हैं कि कौन से इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपको होम में फाइंड होने वाले किन चीज़ों में मिलेंगे। सो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स को बहुत कॉमनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसी से उसका इम्पोर्टेंस हमें ध्यान में आना चाहिए। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसके फंक्शंस जो होते हैं वो मेनली वो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सप्लाई करता है बॉडी को। उसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे हेयर, स्किन, अपने बोन्स हो गए, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी एस्पेक्ट प्रोटीन्स का होता है, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट इनमें का प्रोटीन से ही बना होता है। उसके बाद में हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स, इन जैसे जो केमिकल कंपोनेंट्स बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, उनके भी काफ़ी बार मेन पार्ट जो होता है उसका वो प्रोटीन से बना होता है। सो प्रोटीन इज़ बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और ये हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए, फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है ज़्यादा, इसलिए उसका कांस्टेंट डाइटरी सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। एक जनरल रूल की बात करें तो पपीज़ को और लैक्टेटिंग जो बिचेस है उनको ज़्यादा प्रोटीन लगता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल अडल्ट डॉग। अब हम जानेंगे कि फैट्स का क्या रोल होता है डॉग के फूड में। सो बेसिकली फैट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि फैटी एसिड से बना हुआ होता है और इसका इसेंशियल फंक्शंस है कि ये ओमेगा फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 को सप्लाई करता है, जो कि अपने स्किन के टेक्सचर को बनाए रखने में
बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं जैसे ए डी ई और के, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट ज़रूरी होता है। फैट ये बेसिकली एक लेयर फॉर्म करके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फैट जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड जो नर्वस सिस्टम होती है बॉडी की उसके लिए भी फैट ऑप्टिमम क्वांटिटी में बॉडी में होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि शुगर, स्टार्च और इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स से बना हुआ होता है। अगर प्रोटीन्स और फैट्स अपने डॉग्स को एसेंशियल अमाउंट में या ऑप्टिमम अमाउंट में मिलता है तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा डाइट्री कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन की। एंड उसका सोर्स, उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि वो एक सोर्स है ग्लूकोज का, दैट्स अ फ्यूल फॉर बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फाइबर्स डाइट में आने चाहिए उसके बारे में। सो बेसिकली फाइबर जो होता है वो एडिबल प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। फाइबर्स में बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। फाइबर्स की अगर फंक्शन की बात करें या इसके इम्पॉर्टेंट रोल की बात करें तो फाइबर्स जो होता है, जैसे हम सबको मालूम है कि स्टूल्स या जो आपके डॉग की पॉटी होती है उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और उसके रेगुलराइजेशन के लिए फाइबर आपके डॉग के डाइट में होना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर जो होता है वो बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आपका डॉग कुछ कंज्यूम कर लेता है तो उसका इफ़ेक्ट भी इंटेस्टाइन में कम करता है, ताकि क्योंकि वो उसका एब्जॉर्प्शन कम करता है। फाइबर जो होता है वो डाइजेशन को रेगुलेट करता है, एंड इसीलिए फाइबर जो होता है वो आपके डॉग को ओबिसिटी से बचाने के लिए या उसको एक ऑप्टिमम वेट में रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। सो बेसिकली विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन वो कम मात्राएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी को, ताकि बॉडी अपना फंक्शनिंग जो है वो बेस्ट तरीके से कर पाए। सो बेसिकली विटामिन्स में दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल एंड सेकंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो ए डी ई के होते हैं। जैसा कि हमने फैट्स के बारे में हम जब जान रहे थे तब देखा कि फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस ए डी ई के। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं उनमें बी विटामिन कॉम्प्लेक्स और सी होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो फैटी टिश्यूज में स्टोर किए जा सकते हैं डॉग के द्वारा, बट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते। अभी अगर विटामिन्स की बात करें उनके रोल के बारे में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन या रोल्स विटामिन प्ले करते हैं आपके डॉग के न्यूट्रिशन में। सो हम कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में जानते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं। विटामिन डी जैसे हो गया, वो कैल्शियम एंड फॉस्फरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जो कि स्केलेटन ग्रोथ के लिए और बाकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रियाओं के लिए बॉडी में ज़रूरी होता है। विटामिन ए जो होता है उसे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जाना जाता है। आपके डॉग की इम्यूनिटी या डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी जो होती है वो विटामिन ए से काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ती है। विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं उन्हें एंटीऑक्सीडेंट करके जाना जाता है। वो एक बहुत अच्छे स्ट्रेस रिलीवर भी होते हैं, तो आपके डॉग को स्ट्रेस से निकालने के लिए किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन B12 जो होता है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम के ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपके डॉग्स का बाकी पूरा बॉडी का नियंत्रण होता है। एंड विटामिन K जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं जो होना चाहिए आफ्टर एनी इंजरी और समथिंग लाइक दैट, तो विटामिन K बहुत ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन्स के बाद में हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में। सो बेसिकली मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। सो ये एक फूड का सोर्स इन्हें लगता है बॉडी को। सो मिनरल्स में दो प्रकार होते हैं, एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो।
मैक्रो जो है उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा होती है एंड माइक्रो की रिक्वायरमेंट कम होती है। मैक्रो जो होता है इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन जैसे मिनरल्स आते हैं, और माइक्रो में आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयोडीन आदि मिनरल्स का समावेश होता है। सो बेसिकली इनका अगर फंक्शन हम जाने तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के हम फंक्शन देखते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि बोन फॉर्मेशन और स्केलेटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन जो होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन और बाकी सारी बॉडी सेल्स के फंक्शनिंग के लिए। जिंक जो होता है वो बेसिकली वुंड हीलिंग में बहुत कारगर साबित होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। सेलेनियम जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो नर्व ट्रांसमिशन या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके डॉग के फूड का, दैट इज़ वाटर। सो वाटर जो होता है वो एक टेस्टलेस, ओडरलेस केमिकल कंपाउंड है जिसे H2O के नाम से जाना जाता है। उसका फंक्शन है, इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको मालूम है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में है कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। बेसिकली 70-80% जो मैच्योर डॉग्स का वेट है उसमें से वाटर ही होता है। वाटर जो होता है वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वाटर करता है। वाटर से बॉडी के फ्लशिंग जो होता है वेस्ट का वो भी बहुत अच्छा होता है फ्रॉम द ब्लड सिस्टम। डिजॉल्विंग और ट्रांसपोर्ट जो होता है न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में वो वाटर के थ्रू ही होता है। ओके आप ज़रूर हमारा वीडियो देखिए जो हमने डाला है समर टिप्स के बारे में कि अपने डॉग का वाटर लेवल या हाइड्रेशन आप कैसे मेंटेन रखें, उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो अब तक हमने बहुत शॉर्ट में देखा कि डॉग के फूड में जो भी इंग्रेडिएंट्स या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं और वो कौन से होते हैं। सो अब हम बहुत शॉर्ट में जानेंगे कि आप होम फूड में ये जो पार्ट्स है, जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, वो किस किस फूड में आपको मिलेंगे। सो बेसिकली प्रोटीन्स जैसा हमने देखा तो प्रोटीन के दो प्रकार आते हैं, वेज सोर्स और नॉन वेज सोर्स। तो वेज सोर्स में आता है चिकन एंड मटन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स जो होते हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड फिश है वो भी प्रोटीन रिच सोर्स है। लेकिन कोई भी नॉन वेज अपने डॉग को खिलाने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखे कि उसे कुक या बॉइल करके ही खिलाए। रॉ नॉन वेज अपने डॉग को या कोई भी पेट को खिलाने से आप परहेज करें, वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लांट प्रोटीन, अगर आप प्लांट सोर्सेस है तो उसमें जो सोयाबीन की वड़ी होती है, सोयाबीन चंक्स जिसे कहते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। पनीर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कर्ड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन या दही जो होता है वो। दाल होती है सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा होता है, लेकिन हम उसे लास्ट ऑप्शन या लास्ट प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है डॉग्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। सो फाइबर्स आपको किन चीज़ों में मिलेगा? फाइबर्स मिलेगा आपको पम्पकिन में। पम्पकिन को आप बॉईल या कुक कीजिए। स्पिनच या पालक में आपको पम्पकिन भी मिलेगा और उसके साथ में कुछ मिनरल्स भी मिलेंगे आपको। गाजर जो होता है कैरेट, उसको भी आप कुक करके अपने डॉग को फीड कर सकते हैं। बीन्स जो होते हैं उसमें फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसकी अगेन डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम होती है, सो इट इज़ अ लास्ट ऑप्शन, जनरली डू नॉट फीड। अभी जो कैलोरीज होती है या जो एनर्जी आती है वो बेसिकली उसका सोर्स है ब्राउन राइस या वाइट राइस, जैसे आप राइस बनाते हैं घर में आपके डॉग को आप दे सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज। उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो व्हीट होता है बिकॉज इसमें ग्लूटेन होता है। काफ़ी बार ग्लूटेन इनटॉलरेंस भी आपके डॉग को हो सकता है। अभी जो मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में हमने बात किया, जो हमने देखा कि उसे ज़रूरत होती है पेट डॉग के डाइट में, तो मिनरल्स एंड विटामिन्स को कंप्लीट करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन का जो मार्केट प्रिपरेशन आता है, जो टॉनिक्स आते हैं मार्केट में, उन्हें यूज़ कीजिए।
और उसका डोजेज जनरली रहता है 0.5 ml, सॉरी 1 ml, 0.5 ml पर kg बॉडी वेट, ठीक है। सो इसका डोजेज जो आता है वो उसके पैक पे भी लिखा रहता है, उस हिसाब से आप उसको डॉग के वेट के हिसाब से उसके फूड में ऐड कर सकते हैं। अभी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इसके साथ में जुड़ा होता है कि हम अपने डॉग को कितना खाना खिलाएं। सो बेसिकली जो डॉग का क्वांटिटी होता है फीडिंग का, वो उसके फिजिकल स्टेटस, जैसे वो ओल्ड है, पपी है, फीमेल है जिसने अभी भी बच्चे दिए हैं तो वो दूध पिला रही है बच्चों को, या वो प्रेग्नेंट है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्लस उसकी ब्रीड कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे आपकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि वो है कि उसको एक्सरसाइज कितनी मिल रही है, उसका यूज़ ऑफ कैलोरीज जो है वो कितना हो रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्वांटिटी डिसाइड करने में होता है कि आपके डॉग का डाइजेशन कैसा है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्वांटिटी डिसाइड होती है। लेकिन एक जनरल गाइडलाइन अगर आपको देना है, एक ईजी तरीका अगर आपको बताना है, तो बेसिकली आपके घर में अगर कोई अच्छे कंपनी का पेट फूड होगा तो उसके पीछे बाय वेट बाय एज क्लासिफिकेशन होता है कि अप्रॉक्स कितना ग्राम फूड देना चाहिए। तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दो से, या उससे ज़्यादा आप क्वांटिटी देना है, क्योंकि वो ड्राई मैटर के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, उसमें पानी नहीं होता। एंड जब हम घर में फूड देते हैं तो उसमें डेफिनेटली पानी होता है, इट इज़ मॉइस्चर उसमें होता है, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। सो थैंक यू, ये वीडियो आपने पूरा सुना। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। एंजॉय द लॉकडाउन एंड हैव अ वेरी हैप्पी पेटिंग टाइम विथ योर पेट्स। थैंक यू।